हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव सड़क की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे हैं। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दें। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव के एनर्जीज होते हैं, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, तो देखते हैं आपके पार्टनर के इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए। यहाँ पे कार्ड से एडवेंचर, गिल्ट, क्लिंजिंग टू द पास्ट, चेंज, मूवमेंट टू मूवमेंट, बियॉन्ड इल्यूजन, द मास्टर, प्रोजेक्शन, द बर्डन, स्किजोफ्रेनिया एंड द स्लोइंग डाउन। नंबर है यहाँ पे 8, 5, 10, 2, 20, 7, 6, 2। आपके पार्टनर के बर्थडेट्स हो सकते हैं। आपके पार्टनर स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं। तो करंट में आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में चेंज लाने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि बर्डन का कार्ड है, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है इस रिश्ते का। आपने जो भी इनसे प्यार किया है, अनकंडीशनल लव दिया है, हो सकता है कि बहुत हेल्प करी है, तो ये सारी बातें इनके ऊपर एक कर्जा बन चुका है जो कि उतारना चाहते हैं, इस बर्डन से निकलना चाहते हैं। जहाँ पर भी करंट में है बहुत ज़्यादा अटका हुआ महसूस करते हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन नहीं निकल पाते। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। इस रिलेशनशिप में चेंज लाना है, जो भी रुकी हुई सिचुएशन है वो इनको बदलनी है। डेफिनेटली क्लिंजिंग टू द पास्ट यही शो करता है कि इस रिश्ते के पास को भूलने की कोशिश बहुत करते हैं। इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, इन्होंने आपके साथ जो भी किया है उस बात का, इन्होंने क्या किया आपके साथ, इन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपके प्यार के साथ खेला है, आपको धोखा दिया है, ये सारी बातें नहीं भुला पाते। गिल्ट है कि मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं तेरे प्यार की उस टाइम पे वैल्यू कर पाता तो आज मैं शायद बहुत हैप्पी होता, ना कि मैं इस तरह से आज परेशान होता। आपके पार्टनर करंट में बहुत ज़्यादा परेशान है, रो रहे हैं, सैड एनर्जीज में है। इनको इतनी तकलीफ़ हो रही है कि आप देख सकते हो बादलों में से हाथ आ रहे हैं जो कि इनके सर को बहुत ज़ोर ज़ोर से खींच रहे हैं। इतना पेन आपके पार्टनर करंट में महसूस कर रहे हैं। हाँ, मुझे दर्द क्यों हो रहा है ये अपने आप में फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। द मास्टर का कार्ड यही शो करता है कि ये अपनी गलती ढूंढ रहे हैं। पहले जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जाता था आपके ऊपर कि अगर ये रिश्ता स्टार्ट नहीं हो रहा तो तेरी वजह से नहीं हो रहा है, तू बहुत जिद करती है, तेरी ये कंडीशन वो कंडीशन, तो जो भी है अगर तू मुझे सच में प्यार करती तो तू मेरी बातें मानती, ऐसे बहुत ज़्यादा ब्लेम आपके ऊपर किए जाते थे। लेकिन अब इनका करंट में ये अपनी गलती ढूंढ रहे हैं कि क्या सच में सारी गलती आपकी है और क्या इनकी कुछ भी नहीं, जो इन्होंने किया क्या सच में वो सही था। उस टाइम पे उनको ये सही लगा था, उनके परिवार के लिए वो सही था, उनके परिवार की मर्ज़ी से शादी करना सही था, और जो कि मैं कर रहा हूँ, मम्मी पापा की मान रहा हूँ, और जो कि दुनिया के बारे में सोच रहा हूँ, समाज के बारे में सोच रहा हूँ, तो ये गलत क्या है। हर कोई यही सोचेगा और यही सोच के इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, लेकिन करंट में अपनी गलती फाइंड आउट कर रहे हैं। यस, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो डिफरेंस है। हो सकता है कि आप दोनों में कास्ट डिफरेंस हो सकता है, आपके धर्म अलग हो सकते हैं, या तो अमीर गरीब हो सकते हैं। कुछ तो है चेंज, जो चेंज इनकी फैमिली नहीं चाहती। तो आपके पार्टनर को पहले से पता था कि इनके घर वाले जो कि आपको शायद स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जो कि आपसे प्यार करना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि जब इन्होंने आपको पहली बार देखा था तब से लेके वो आपको कभी भी नहीं भुला पाए थे। तो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे पता है कि मैं इससे शादी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इसके लिए इतना अट्रैक्शन क्यों महसूस हो रहा है, इस तरह के एनर्जीज थी। वही एनर्जीज वो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, आपको अपने साथ अपने साए की तरह फील कर पा रहे हैं। वो प्रोजेक्शन का कार्ड यही शो करता है, या आपको अपने साए की तरह अपने साथ पाते हैं। यस, डेफिनेटली माफ़ी मांगना चाहते हैं, इन्होंने आपके ऊपर जो भी गलत इल्ज़ाम लगाए, जो आपको चीखा चिल्लाया गलत सरल, हो सकता है कि आपको इन्होंने गालियां तक दी है, घर से धक्के मार के बाहर ढकेल दिया है, इतना बुरा बर्ताव इन्होंने आपके साथ किया है। ये सारा गिल्ट इस वक्त महसूस कर रहे हैं।
मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड यही शो करता है कि डेफिनेटली आपके साथ ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, खुशियाँ देखते हैं, एक एक स्टेप वो आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो कि स्लोइंग डाउन का कार्ड है यहाँ पे, इनका एक्शन आपको आएगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा धीरे आएगा। आप समझ लो अगर आपके इस रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट हो, 6 महीने से ज़्यादा और 1 साल का टाइम हो चुका है, तो आपका ये रिलेशनशिप कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे फिर से रियूनियन होने में। और अगर कल परसों ही झगड़ा हुआ है तो जो कि छोटे मोटे झगड़े हैं आपके, तो 1-2 हफ्ते में सुलझ जाएंगे, इस तरह के एनर्जीज है। ठीक है, मतलब ये होता है कि आप जितने टाइम से एक दूसरे से नो कांटेक्ट में रहते हो तो रियूनियन होना उतना ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आपका कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता है, बातचीत नहीं होती है, तो फिर वो कैसे एक्शन लेंगे? इनको पता भी तो नहीं होता है आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सोशल मीडिया को देखते रहते हैं, क्या आपकी फ़ोटोज़ देखेंगे, आपकी वीडियोज़ देखेंगे, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है ये ढूंढ पाना मुश्किल होता है। इसी वजह से एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन स्लो आएगा इनका एक्शन। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड यही शो करता है कि करंट में इनको बहुत ज़्यादा आपको, मतलब आपको लेके इल्यूजन्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके नाम दिखाई देते हैं, आपका आपकी फ़ोटोज़ बार बार इनकी आँखों के सामने आ जाती है, कोई आपके जैसी पर्सनैलिटी इनकी आँखों के सामने आ जाती है, तो ये जो कि इनको बार बार आपके याद दिलाती है। इनका कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जिनका नाम आपके नाम के ऊपर हो सकता है, तो जब जब कोई उसको बुलाता है तो ये आपको सडनली याद करना स्टार्ट करते हैं कि यस मेरा प्यार था जो इतना क्यूट था, इतना प्यारा था, और मैंने मेरे प्यार को, मेरी प्यार वाली ज़िंदगी को मेरे हाथ से, अपने हाथ से निकाल के फेंक दिया है, और इसी वजह से आज मैं इतना पागल हो रहा हूँ कि आज मुझे जान देने का दिल कर रहा है, मर रहा हूँ मैं, कभी भी मर सकता हूँ, इस तरह के एनर्जी से। आप देखोगे तो ये पर्सन पानी के अंदर है और ये जो कि मरने के लिए रेडी हो चुका है। दोनों ही कार्ड यही शो करते हैं कि आपके पार्टनर की मेंटालिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इनकी ये मेंटालिटी ठीक होने के लिए टाइम लगेगा। इसी वजह से स्ट्रांगली चांसेस बनते हैं कि भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो चुके हैं, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी मेंटालिटी ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो आपको कुछ तो क्लैरिटी दे सके। अब तक इन्होंने आपको क्लियरली बताया भी नहीं क्या ये आपके पास आना चाहते भी है कि नहीं, या फिर ऐसे ही आपको छोड़ के हमेशा के लिए जा चुके हैं, आपको सिर्फ वेटिंग पे रख दिया है। आप इनको बहुत बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स टाइप करके भेजते रहते हो, मैसेजेस करते रहते हो, मिस कॉल देते रहते हो, अपने फ़ोन से, दोस्तों के फ़ोन से करते रहते हो, लेकिन ये आपको कहीं पे भी रिप्लाई नहीं करते हैं और आपको क्लियरली बताते भी नहीं हैं कि हाँ तू चली जा मेरी ज़िंदगी से, या फिर चला जा मेरी ज़िंदगी से, मैंने जो कि मौन कर लिया है। आपको क्लियरली नहीं बताने की वजह से आप इनका इतना इंतज़ार करते रहते हो, और ये आपको इसी वजह से नहीं बताते क्योंकि आपके बिना नहीं रह पाएंगे, इनको ये अच्छे से पता है। आप जो इनके बिना खुश रह पाते हो करंट में, ये देख ही नहीं पाते कि आप हैप्पी कैसे हो और आपके इस हैप्पीनेस का राज क्या है, ये राज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आपके बिना नहीं रह पाएंगे, इनको ये अच्छे से पता है। ओके, हम देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं। थ्रू मैसेज द न्यूज़, इनके पार्टनर इस वक्त इनसे क्या बात करना चाहते हैं, इनके पार्टनर इस वक्त इनसे क्या बात करना चाहते हैं। यस, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है यहाँ पे, जो ये शो करता है कि आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी आपके साथ रीयूनियन करेंगे और आपके साथ शादी करना चाहते हैं। इस वक्त इनकी इमोशनल फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है, वो बताना चाहते हैं कि भले मुझे कोई भी कितना भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, और पहले जो कि मैंने अपने दिल के इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया था, अब करंट में मैं मेरे दिल के इंट्यूशन को फॉलो कर रहा हूँ और मेरा दिल मुझे बता रहा है कि मुझे तेरे पास आना चाहिए, इस तरह के एनर्जीज है। यस, ये इस वक्त भी आपको मैसेज करना चाहते हैं लेकिन जो कि ये टावर को नहीं भुला पाते। ठीक है, एक बार ये बातें इनके दिमाग से चली जाए, ये गिल्ट इनके दिमाग से चला जाए, तो ये आपके पास डेफिनेटली आएंगे। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यस, यही ही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।